हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स क्लास। लास्ट टॉपिक हमने बर्नौली इक्वेशन पढ़ी थी, तो बर्नौली इक्वेशंस को कैसे हमने सॉल्व किया था ये आप पढ़ चुके थे। बर्नौली इक्वेशन को मैं एक बार दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए, dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x y इक्वल टू q ऑफ x। देखिए, यहां तक जो टर्म है ये हमारे पास है रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। और बर्नौली अगर बनती है तो स्टार्ट होती है कि अगर यहां पर y की पावर n, यानी कि कोई भी मान ऐसा हो जो y की पावर में हो, वो यहाँ पे आ जाए, यानी कि यहाँ पर y नहीं आना चाहिए लेकिन y आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो इस y को हटाने पर जो समीकरण मिलेगी वो क्या मिलेगी, रैखिक मिलेगी। लेकिन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। तो इस तरह की जो समीकरण है वो आपके पास है बर्नौली समीकरण, ठीक है। और इसको हटाने के लिए हमने पढ़ा था कि y की पावर n का हम डिवाइड करते हैं पूरे में, फिर यहाँ पर y की पावर 1 माइनस n बच जाता है, उसको हम v के बराबर मानते हैं और फिर वैल्यू पुट करते हुए n में वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। यानी कि इस समीकरण को पहले v के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें कुछ एग्जाम्पल है, उसको लेके चलते हैं। तो एग्जाम्पल्स में जो मेन है वो कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ हम देख लेते हैं। y log x माइनस वन y dx इक्वल टू x ऑफ dy, ठीक है। तो दिए हुए अवकल समीकरण को निम्न प्रकार लिखने पर तो हमारे पास जो सॉल्यूशन हमें करना है, और देखो क्या करना है, आपको पता ही है कि dy अपॉन dx इस तरह फॉर्म होनी चाहिए, dy अपॉन dx अलग से होना चाहिए, ठीक है। तो हम dy अपॉन dx कर रहे हैं और x का डिवाइड हम यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। y log x माइनस वन इंटू वाई आर अपॉन में x, कोई दिक्कत नहीं। इसको अलग कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू y से y मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, y स्क्वायर। और एक काम करते हैं, ये माइनस का y अपॉन x है ना, इसको हम इधर ले जाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व लिख लेते हैं, y अपॉन x किसका, माइनस का, माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो गए, और प्लस में y स्क्वायर अपॉन x log x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास dy अपॉन y अपॉन x को इधर ले आते हैं, तो dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन x और log x, ये टर्म हमारे पास बन जाती है, राइट। इस टर्म को बनने के बाद आप इसे कंपेयर करके देख लो कि ये टर्म में p क्या है, देखिए आप p ऑफ x क्या है, अभी आप p ऑफ x साथ में क्या है, ये 1 अपॉन x, और आप देखिए y पावर n, y पावर 2, ये है बचाव पार्ट क्या है, log x अपॉन x, ठीक है, ये है 1 अपॉन x, और q ऑफ x क्या है, log x अपॉन x। लेकिन ऐसे ही सॉल्यूशन नहीं निकालना कि यहीं पर ही आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने लग जाओ ना, ऐसे यहाँ पे काम नहीं करना, पहले आपको इसको चेंज करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, y स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, तो y स्क्वायर का डिवाइड का मतलब यहाँ पे y की पावर माइनस टू dy अपॉन dx प्लस यहाँ पे डिवाइड किया, तो एक y से y कट गया, y की पावर माइनस वन अपॉन x इक्वल टू log x अपॉन x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था कि ये जो टर्म होती है यानी कि एक्स के साथ वाला जो टर्म होता है इधर बगल में, इसको हम क्या मानते हैं, वी मानते हैं, ठीक है। तो वाई की पावर माइनस वन इक्वल टू वी लेने पर अब डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हम इस समीकरण को चेंज कर रहे हैं वी के रूप में, इसको एक मान लो आप, ठीक है, और इसको मान लो दो, समीकरण नंबर दो में अभी मान हम रखेंगे। तो डिफरेंशियल कर रहे हैं, वाई की पावर माइनस वन आगे आ जाएगा, तो माइनस वाई की पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस टू और डी वाई अपॉन डी एक्स, इस माइनस को मैं मान ले जाता हूँ, तो ये जाएगा माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स। और देखिए इसी का मान तो रखना है हमको यहाँ पे, है ना, इसका मान हम रख देते हैं, इसको समीकरण नंबर तीन ले लेते हैं और ये मान भी रखेंगे हम। तो समीकरण नंबर तीन से मान दो में रखने पर, दो में रखने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आगे देखते हैं हम। यहां पर जाएगा आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी अपॉन एक्स बराबर लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से इसकी जगह पर डी वी अपॉन डी एक्स रखना है, यहाँ पे मैं आप देता हूँ माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स इसकी जगह पर यहां से, और वाई पावर माइनस वन की जगह पर क्या रखा जाएगा, वी, तो वी अपॉन एक्स और बराबर में क्या आ रहा है, लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब हमें क्या करना है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वी, वी के रूप में बनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वही करेंगे काम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आई एफ, ठीक है, पी का मान वही है हमारे पास, e की पावर पी डी एक्स, तो e की पावर p का मान है वन अपॉन एक्स डी एक्स। एक काम वो करना है, अभी वन अपॉन एक्स डी एक्स नहीं सकते, क्योंकि तो यहां से हमारे पास डी वी अपॉन डी एक्स किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो पहले इसको हम सही कर लेते हैं, माइनस के वी अपॉन एक्स, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, माइनस के लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इस हिसाब से जो e है यानी कि जो p का मान है वो माइनस से वन अपॉन एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, ठीक है, ये यहां रखते हैं माइनस, ठीक है, फिर पी का मान क्या हो जाएगा, माइनस के वन अपॉन एक्स, तो ई की पावर माइनस के लॉग एक्स, और माइनस की वजह से टर्म ऊपर चली जाएगी, तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा, ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, अब सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वी इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी, यही आता है। तो आई एफ का मान क्या है हमारे पास, आई एफ की वैल्यू जो है वो हो जाएगी वन अपॉन एक्स, और क्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास माइनस के लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी का जो मान है वो है माइनस के वन अपॉन एक्स, और क्यू ऑफ एक्स जो है वो माइनस के लॉग एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है। अब क्यू ऑफ एक्स का मान माइनस के लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी, राइट, ऐसा सॉल्व करते हैं, तो एक्स और एक्स दो दो बार आ रहे हैं, तो दोनों ऊपर चले जाते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस तो बाहर ले लेता हूं, एक्स की पावर माइनस टू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला है। अब बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि बाय पार्ट से होगा, ये बाय पार्ट से हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बाय पार्ट से बनेगी, ठीक है, बाय पार्ट से होगा, तो फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा इनको। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको मान लेते हैं और सेकंड इसको मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ दिया, माइनस का चिन्ह बाहर, फर्स्ट को छोड़ दिया,
सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दिया और माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन ऐसी बात माइनस टू डी एक्स और वापस से फिर पूरे का क्या होगा समाकल वो हो जाएगा डी एक्स ये वाला। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जो टर्म बनी है वो देख सकते हैं आपकी लॉग एक्स और इसकी समाकल करते तो क्या आएगा भाई वन अपॉन स्क्वायर क्या होता है माइनस के वन अपॉन एक्स। ठीक है और इसका करो तो क्या आएगा वन अपॉन एक्स और इसका भी हो जाएगा माइनस के वन अपॉन एक्स राइट डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स माइनस के वन अपॉन एक्स माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा और डी एक्स एक्स पावर माइनस टू डी एक्स। ठीक है अब हमारे पास जो टर्म है इसका भी करेंगे हम तो क्या हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू क्या हो जाएगा बताओ माइनस के भाई वन अपॉन एक्स तो यानी कि माइनस की पावर माइनस वन और प्लस सी तो चलता रहेगा यहां पे। अब ये माइनस का चिन्ह और है हमारे पास इस माइनस का चिन्ह जब ये टर्म माइनस की टर्म बाहर आएगी तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है क्योंकि यहां पे भी टर्म माइनस का बचेगा ना ये वाला माइनस तो इस वजह से ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा तो ये टर्म हो जाएगी आपके पास लॉग एक्स अपॉन एक्स ये टर्म जो बाहर जा रही है उसकी कह रहा हूं लॉग एक्स और प्लस एक्स की पावर माइनस वन प्लस सी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं भाई ये वाली टर्म माइनस की थी और ये टर्म माइनस की दोनों कॉमन आई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो v इंटू वन अपॉन एक्स ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब v का मान देते हैं v का मान क्या है वन अपॉन वाई तो वन अपॉन वाई इक्वल टू एक्स से एक्स कैंसिल तो ये हो जाएगा log x प्लस वन प्लस सी एक्स। ठीक है मतलब कि x से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे तो x से x कट गया ये वाला x भी कट गया यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो गया और v का मान क्या रख दिया हमने वन अपॉन वाई v की वैल्यू क्या है वन अपॉन वाई। ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में हमको। ठीक है अगर यहाँ पे माइनस वन होगा ना तो माइनस और ये वाला माइनस मिलके यहाँ क्या बना देगा प्लस बना देगा। तो ये सवाल आपके पास एग्जाम्पल था अब आप देख सकते हैं इसमें कि इतना बड़ा सवाल हमको करना पड़ेगा तब हमको जाके पांच नंबर का क्वेश्चन पूरा होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास एक और करते हैं क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज का है एक्सरसाइज जो आपके पास फर्स्ट एफ है बर्नौली की तो फर्स्ट एफ एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं उसके क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा और जिस आपको उसका रिप्लाई करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर। ठीक है अगर आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया चाहे आपका क्वेश्चन गलत हो या सही हो रिप्लाई करना है। ठीक है अगर आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया तो मतलब मैं समझूंगा कि आप पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं पूरा लेक्चर नहीं सुन रहे हैं। ठीक है तब फिर मैं अपने हिसाब से उस को अपनी वीडियो से रिमूव कर दूंगा उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी। ठीक है तो हमारे पास फर्स्ट एफ क्योंकि जब आप लोग पढ़ने की इच्छा ही नहीं रखते हो तो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए फिर क्या फायदा आपको पूरी वीडियो दिखाने का। तो देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखिए आप इसका सोल्यूशन निकालना है हमारे को, एक्स्ट्रा क्या है इसमें, पहले तो ये जाएगा नीचे, फिर यहां से वाई स्क्वायर इधर आएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में वाई, और एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स कैसा चाहिए हमें, अकेला चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, वाई स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो वाई स्क्वायर का डिवाइड जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का डिवाइड हम कर देते हैं, तो y की पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर माइनस वन, और यहां पे बच जाता है x वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है हमको, y की पावर माइनस वन को v मानना है, माइनस y की पावर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को इसको समीकरण नंबर एक मान लो, तो इन दोनों को उठा के रखना है समीकरण नंबर एक में, तो पुट वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स किसका हो जाएगा, माइनस का, और प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई की पावर माइनस वन, सो क्या हो जाएगा v, और यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन गई, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ v, v की फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे लीनियर के हिसाब से, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आई एफ निकालने के लिए आपका जो आई एफ है वो क्या होगा, यानी कि पी का मान पहले निकाल लेते हैं, तो पी का मान क्या है यहाँ पे देखो आप, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, पी बराबर है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और क्यू है आपके पास वो भी सेम वही है एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों मान सेम सेम है। तो पी का मान एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास टर्म जो है इसमें हम करेंगे ई की पावर पी डी एक्स, यानी कि ई की पावर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसका हम समाकल निकालेंगे, यहां पर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लेते हैं, तो माइनस के 2x dx बराबर dt हो जाएगा, और x dx बराबर हो जाएगा माइनस के dt बाय 2, तो ये वैल्यू हम रख देते हैं यहां पे, तो माइनस के dt अपॉन 2 और नीचे क्या हो जाएगा t, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, e की पावर हाफ माइनस के log t, ठीक है, और t के ऊपर माइनस वैल्यू चढ़ जाएगी, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, log से तो e कट जाएगा, और ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टी, क्योंकि t की पावर हाफ और लेकिन माइनस में आ रहा है तो नीचे आ जाएगा, तो वन अपॉन रूट टी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका उल्टा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। टी के मान रखोगे तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का रूट। तो अब ये हो गया आपका आई एफ, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब निकालते हैं मान, तो वी बाय सॉल्यूशन वी इंटू आई एफ बराबर आई एफ इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी। आई एफ क्या है हमारे पास, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्यू ऑफ एक्स का मान कितना है, वही है जो एक्स का मान है, और पी का मान है जो
अच्छा को वैल्यू कट जाएगी इससे, तो यहाँ पर जाएगा रूट एक्स और ये हो जाएगा 1 - x2। ठीक है, इसका समाकल करना है हमारे को, तो समाकल क्या होगा आप लोग देखिए इसमें। तो इसमें भी हम वही मान लें 1 - x2 को t मान लें, उससे काम हो सकता है क्या? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, रूट टी जो है उसका मान हमने गलत रखा है, टी की वैल्यू एक्चुअली 1 - x2 है, तो यहाँ पर वैल्यू 1/√1 - x2 बनेगा। ठीक है, उल्टा लेके जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रूट में 1 - x2। ठीक है भाई, 1/√t है, 1/1 की वैल्यू आ जाएगी 1 - x2, तो हमारे पास जो टर्म बन जाएगी वही मान आ जाएगा t का। एक टर्म यहाँ पर भी है जो dv/dx है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसमें भी हमें करेक्शन करना होगा, तो माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो p का मान क्या हो जाएगा माइनस, और इसका मान भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है भाई, माइनस सब जगह आएगा ना, इसके आगे तो माइनस छोड़ सकते नहीं है, तो हमारे पास ये टर्म हो जाएगी माइनस की। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, तो एक माइनस ऑलरेडी है ही होगा ही, एक माइनस यहाँ से आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस की। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ओनली रूट टी, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास रूट में 1 - x2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है रूट में 1 - x2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो टर्म होगी वो यहाँ पर रूट में 1 - x2 और x/1 - x2 होगा, तो x तो ऐसे कैसे रहेगा, वो रूट में नहीं आएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास रूट में 1 - x2 dx। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 - x2 को वापस से भाई t मान लेंगे और ये माइनस के 2x dx, चाहे तो t² मान लो तो 2t dt हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x dx बराबर माइनस के t dt, तो t dt और ये रूट में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टी, रूट से t² हो गया ना, तो t आ जाएगा खाली, टी से t कैंसिल, dt का मान क्या हो जाएगा t, और t का मान क्या है रखने के लिए, t का मान है हमारे पास रूट में 1 - x2। ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ रहा है, v × 1 - x2/x। ठीक है, अब इस मान को हम मान ले जाएंगे, तो हमारे पास पहले v का मान भी रख लेते हैं 1/y, v का मान हम रख लेते हैं, v बराबर है हमारे पास 1/y, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/y और √1 - x2, अब इक्वल टू √1 - x2 + c, तो √1 - x2 बराबर y × 1 - x2 + cy। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपके पास लास्ट में ये भी टर्म ही तो खाली रूट की रहेगी ना। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वहां चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टर्म बचेगी भाई, क्लियर। तो ये सबका सवाल था, तो थोड़ा सा बहुत इसमें हुआ मिस्टेक, लेकिन आप लोगों को तो करना है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी माइनस के चिन्ह को आगे फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, इसका माइनस का ध्यान रखना है। अब सवाल जो है मैं आपको दे रहा हूँ वापस करने हैं, और सवाल जो है आपके पास वो है, (2dy/dx + y cos x) / y^n (sin 2x). एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है आपके पास 3dy/dx +
टू वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन हम करने हैं, इन दो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, चाहे फोटो क्लिक करके भेज सकते हो, ठीक है, लेकिन भेजोगे तो ही पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और समझा है, आपने क्वेश्चन किए हैं, चाहे गलत ही क्यों ना की हो, करना जरूर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।